जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको घर में लगातार चली आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ वास्तु उपायों के बारे में बताएंगे। वास्तुशास्त्र कोई तोड़ फोड़ का शास्त्र नहीं है। पूर्व निर्मित प्रवेश द्वार को वास्तु समस्त बनाने के लिए या उससे जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए वास्तु में अनेक उपायों की व्यवस्था भी है। वास्तु यज रत्न वैदिक वास्तु पूजा द्वारा भी इन दोषों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पश्चिम दिशा में द्वार दोष उत्पन्न होने पर रविवार को सूर्योदय से पूर्व दरवाजे के सम्मुख नारियल के साथ कुछ सिक्के रखकर दबा दें। सूर्य के मंत्र से हवन करें, द्वार दोष इससे दूर होगा। पूर्व दिशा में घर का दरवाजा जातक को ऋणी बना देता है, तो सोमवार को रुद्राक्ष घर के दरवाजे के मध्य लटका दें और पहले सोमवार को हवन करें। रुद्राक्ष व शिव की आराधना करने से आपके समस्त कार्य सफल होंगे। दक्षिण दिशा में घर का प्रमुख द्वार शुभ नहीं है, इसके कारण आप घर में लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो बुधवार या वीरवार को नींबू या सात कोणियां धागे में बांध कर लटका देनी चाहिए। वास्तु के अनुसार उत्तर का दरवाजा हमेशा लाभकारी होता है। यदि द्वार दोष उत्पन्न होता है तो भगवान विष्णु की आराधना करें, पीले फूल की माला दरवाजे पर लगाएं। तो दोस्तों, ये हमने आपको घर की परेशानियां दूर करने के लिए चार वास्तु उपायों के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।